वीडियो के साथ वापस जिस भी दिन आया हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज देने आया हूँ। आज होने वाला है एक हेयर के बारे में वीडियो, जो होने वाला है पॉकेट में रॉकेट, मतलब हमारा छोटा टेक्सचर हेयर पाउडर के बारे में, हमारी पॉकेट में रॉकेट है, तो समझ जाओ और चलो वीडियो की तरफ। गाइस बहुत बड़ी गलती हो चुकी है मुझसे कि मैंने आपको पाउडर का नाम नहीं बताया है, वो होने वाला है ओसिस का टेस्ट। मुझे लग रहा है ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा मेरी ऑडियंस को, तो आज होने वाला है ओसिस टेस्ट का रिव्यू। फर्स्ट हमारी आने वाली है पैकेजिंग, वो होने वाली है रेड कलर की प्लास्टिक का डब्बा, इजिली स्प्रिंकल कैन रेड कलर का प्लास्टिक का, और आप जैसा देख सकते हैं ओसिस डस्ट डस्टेड लिखा हुआ है, ओसिस प्लस लिखा हुआ है, पीछे इंग्रेडिएंट्स प्रिंट करे हुए हैं, नॉर्मल पैकेजिंग, लेकिन मुझे अच्छा लगता बढ़िया और लोहे के कंटेनर में आता तो, प्लास्टिक में नहीं, तो क्योंकि यार इतना चार्ज करो तो अच्छा कंटेनर दो। जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाली स्मेल, मैं इसकी स्मेल कर चुका हूँ, तो स्मेल तो सब्जेक्टिव है, तो स्मेल आपको कैसी लगेगी, तो स्मेल आप सूंघोगे तो पता चलेगा कि स्मेल कैसी है, वो होने वाली है सिट्रिक एसिड की, मतलब लेमन की स्मेल, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है इंग्रेडिएंट्स में। जहां तक इंग्रेडिएंट्स की बात आती है तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ है कि इंग्रेडिएंट्स काफी सही है, क्योंकि इसका जो पहला इंग्रेडिएंट वो होने वाला है सिलिका सिलिलेट। इंग्रेडिएंट्स ये रहे देख सकते हो, और सिलिका सिलिलेट में क्या होगा, वो आपके बालों को वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा और स्टिकीनेस और होल्ड प्रोवाइड करेगा और लाइटनेस फील देगा, जो छोटा पॉकेट में रॉकेट की बात चल रही है वो होने वाला है सिलिका सिलिलेट में। बाकी इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल है स्टिकीनेस प्रोवाइड करने के लिए, तो समझ सकते हो। तो अपन फोर्थ पॉइंट में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन और स्टाइलिंग की। मैं बालों को डैम करके आता हूं, फिलहाल हमें कुछ भी वेस्टेज नहीं करना है इसलिए हम ऐसे लगा लेते, लेकिन एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूँ रूट्स में। आपको यूं बालों को खोलना है और रूट में एप्लीकेशन करना है। देख सकते हैं हमारे छोटे नन्हे पाउडर भाई ने कितना बढ़िया वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं मेन होल्ड की। होल्ड इसका इतना ज्यादा नहीं है, 6-7 घंटे बढ़िया लास्ट करता है, होल्ड नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत स्टिकीनेस है बस, के बालों को पकड़ के रखेगा, लेकिन आपको होल्ड के लिए कोई प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, तो ये आप याद रखें। ये आपको कब काम आ सकता है, गर्मियों के सीजन में जब आपको पसीना आता है, क्योंकि ये आपके बालों में पिघलेगा नहीं, वॉल्यूम बना के रखेगा। ये कौन यूज कर सकता है, ड्राई हेयर वाले प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना ज्यादा यूज करना, क्योंकि ये खुद भी पाउडर बालों को ड्राई कर देता है। ऑयली हेयर वाले यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शैम्पूड हेयर के बाद, या फिर आप जो ड्राई हेयर वाले ऑयल बिल्डअप करके बालों में पाउडर को यूज कर सकते हैं एज अ ड्राई शैम्पू या एज अ स्टाइलर। अगर वॉशेबिलिटी की बात करी जाए तो ये हमारा छोटा दोस्त है, वो एक ही शैम्पू से बिना किसी परेशानी दिए आपसे, आपकी जिंदगी से, मतलब आपके बालों में से वॉश आउट हो जाता है। अब लास्ट थिंग हम बात करने वाले हैं प्राइस की। प्राइस होने वाली है 700 रुपए, मान लिया 2000 रुपए के प्रोडक्ट से काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी ऐसे 2000 रुपए की प्रोडक्ट मिल रहे हैं बाहर बाजार में, बहुत सारी कंपनियों के, मैं नाम लेना नहीं लेना चाहता, और आपको इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है इस पे, बेकार है 2000 रुपए खर्च करना, उसमें भी यही माल मिलेगा, इसमें भी यही माल मिलेगा, प्लीज मेरी बात मानो और समझो, पापा का पैसा मत बिगाड़ो, समझो, ठीक है। तो ये थी मेरी लास्ट पॉइंट। अब मेरे ओवरऑल थॉट्स, आपको लेना चाहिए अगर आपको वॉल्यूमाइज हेयर करने हैं, तो थिक हेयर वालों पे इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा जितना थिन हेयर वालों के लिए करेगा। तो ये था मेरा पाउडर का, टेक्सचर पाउडर का रिव्यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।